कानून व्यवस्था किसी भी सरकार के लिए अहम मुद्दा है और जिस तरह से झारखंड में अपराध बढ़ रहे हैं उसके बाद पूछता है झारखंड में आज बात झारखंड में जंगल राज की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। झारखंड में अपराधियों का हौसला बुलंद है, कब किसके साथ आपराधिक घटना घट जाए पता नहीं। रात में पेट्रोलिंग के नाम पर महज खानापूर्ति होती है। हाल ही में वीएचपी नेता की हत्या के बाद एक बार फिर से सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं। यहां ना आम आदमी महफूज है ना ही खास, नेता जज पत्रकार के मर्डर हो जाते हैं और सरकार सोती रहती है। बीजेपी अब हेमंत सरकार से सवाल पूछ रही है, क्या झारखंड को बंगाल केरल बनाने की है साजिश? सवाल तो हम भी पूछेंगे सरकार से, लेकिन सबसे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर हम करेंगे चर्चा शुरू। रांची में वीएचपी नेता की हत्या के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुकेश सोनी जब बुधवार शाम अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे तभी अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस वारदात के बाद बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार के लिए कानून व्यवस्था को सुधार करना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। तभी आए दिन जिस तरह से अपराधी तत्व आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी निशाना बना रहे हैं, राज्यवासियों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन सरकार के माथे पर सिकन तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसंगी इकाइयों से जुड़े करीब करीब अब तक एक दर्जन कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है, लेकिन सरकार जिस तरह से मौन साधे बैठी है और अपराधी तत्वों का मनोबल इससे जैसा ऊंचा हो रहा है, तभी आए दिन समाज में व्यवसायी वर्ग हो या फिर अन्य कोई भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा जो आम जनता भी है अपराधियों के निशाने पर है। वहीं सांसद संजय सेठ ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, विहिप खलारी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी की हत्या राज्य सरकार और प्रशासन की विफलता है। झारखंड में भाजपा और संघ विचारक परिवार को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है। झारखंड को केरल और पश्चिम बंगाल बनाने की साजिश हो रही है जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर जब सवाल सरकार पर उठे और पूछा गया कि झारखंड में अपराध और अपराधी दोनों बेलगाम हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन और शासन क्या कर रहा है, तो जवाब ये मिला, हमारी प्रशासन लगी हुई है और प्रशासन बहुत ही जल्द हत्या के आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल के सिकंजे के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। हम मृत परिवार के परिजनों को ईश्वर शक्ति दे ये दुख सहने की, हम यही कामना करते हैं और भाजपा के लोगों से भी यही कहते हैं कि हत्या के ऊपर राजनीति ना करें। बढ़ते अपराध से जहां जनता खौफ ज़दा है, तो वहीं आए दिन जिस तरह से बीजेपी आरएसएस वीएचपी जैसे संगठनों के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है उससे सवाल उठना लाजमी है कि क्या इनसे बदला लिया जा रहा है और क्या ये सियासी हत्या है। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी, अब मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं इस चर्चा में। आखिर आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं, तो मासस नेता सुशांत मुखर्जी जी स्वागत है आपका, और अनंत अमित जो कि बीजेपी के नेता है आपका बहुत बहुत स्वागत है, ओंकार जायसवाल जो कि जेएमएम के नेता है सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, सबका स्वागत है। लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा सा आंकड़े बता दूं आप तमाम लोगों को बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म के मामले में 8वें स्थान पर झारखंड, वहीं हत्या की वारदात में भी इजाफा हो रहा है, जज पत्रकार नेताओं कोई भी महफूज नहीं है। तो अब ऐसे में पूछता है झारखंड अपराधियों के ठेंगे पर कानून व्यवस्था क्या कर रही है सरकार, क्या झारखंड को बंगाल केरल बनाने की साजिश है और क्या जानबूझकर बीजेपी आरएसएस वीएचपी नेताओं को बनाया जा रहा है निशाना। शुरुआत में जेएमएम नेता से करना चाहूंगी, सर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पुलिस सुस्त है और अपराधी चुस्त। आपका रिपोर्ट हम देख लिए और
कानून व्यवस्था पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो बेवजह सवाल उठा रहे हैं, मुद्दा विहीन लोग हैं और उनका सवाल उठाना पूरी तरह मैं उनसे सहमत में नहीं रख। आपने रिपोर्ट बता दिया कि रिपोर्ट इतना आ गया, इतने नंबर पर झारखंड है, लेकिन इस बात का भी रिपोर्ट आप बता दीजिए कि जितनी भी घटनाएं घटी है उसमें 8 दिन या 15 दिन के अंतर्गत पुलिस अपराधियों को शिकंजे में कसने का काम किया है, जेल के सलाखों को भेजने का काम किया, कोई भी मुद्दा है जितने भी वारदातें हुई है उसका रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट बताइए, उसको भी जनता को बताना चाहिए। ये हत्या हुई है, हत्या को मैं निंदा करता हूं, जो लोग दोषी है, जो अपराधी है वह अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, बहुत जल्द आंखों के पीछे होंगे। किसी को कानून को हाथ में लेने के लिए कोई छूट ये सरकार देने वाली नहीं, जो भी कानून है काम करेगा, जांच करेगा, जांच में जो लोग आएंगे दोषी पकड़े जाएंगे उनको सलाखों में भेजा जाएगा, कोई बकसवे का काम नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, इसके लिए सरकार और प्रशासन काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है। ठीक है सुशांत, तो जिसके पहले मैं बीजेपी के पास जाऊं, आप ही के पास जा रही हूं सर, क्योंकि उन्होंने तो सीधे उंगलियां उठा दी हैं कि ये तो मुद्दा विहीन है। अब जो इतने सारे जो मामले हैं वो मैं ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाऊंगी, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सुशांत को बोल रहे जी, हमसे बात करते हैं। हाँ जी जी, देखिए प्रतिक्रिया ये है कि ये जो हत्याएं हुई है निश्चित तौर पर इससे घृणित है, इसका हम विरोध करते हैं, हमारे पार्टी इसका विरोध करते हैं। पहला, दूसरी बात है इस पर जांच हो रही है, वहां पुलिस कैंप लगी हुई है। हमें जो सूत्र से खबर मिली है कि 2-4-5 दिन पहले वो गोल्ड की दुकान में किसी के साथ झंझट भी हुए थे और कुछ सोना गोल्ड दे के कुछ झंझट हुए थे और कुछ चोरी भी उनके दुकान से हुए थे, उसकी भी जांच हो रही है। ये सबसे बड़ी देखने, एक तो पॉलिटिकली राजनीतिकरण करके इसे अब जगह में नहीं पहुंचाने की जरूरत है। हमें लगता है कि प्रशासन अपनी काम कर रही है, हमें लगता है और 24 घंटे के अंदर ये सामने आ जाएंगे अपराधी कौन है और वो अरेस्टिंग भी हो जाएंगे। जिस तरह हमें शाम को हमने खबर लिया, पुष्टि भी हमारे की गई है कि किस तरह से ये हुआ है, कौन है, क्या है, वो सामने आ जाएंगे। इसके लिए हमें लगता है कि राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए, उस पर लेट होगी और ये निश्चित तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए, सलाखों के पीछे डालनी चाहिए। ये बात ठीक है। बीजेपी की तरफ से अनंत अमित जी, सियासत क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए रजनी जी, ये सियासत की बात नहीं है। जहां तक झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को कानून व्यवस्था की बात है तो पिछले एक साल में और जब से ये वर्तमान डीजीपी साहब आए हैं उसके बाद का आंकड़ा देख लीजिए, जब से सरकार बनी है तब से पिछले 2 साल का आंकड़ा देख लीजिए, लगातार दिन प्रतिदिन हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, तस्करी की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए रजनी जी, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है आज। पहला बात तो ये कि जो हमारे सोनी साहब की हत्या हुई है, हमारी पार्टी और हमारे वरिष्ठ सांसद रांची के संजय सेठ जी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है तो हमारी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और सरकार से मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से हत्यारों की गिरफ्तारी हो और पूरी रंजिश की पर्दाफाश सरकार करे, जो कि वो सरकार के बस की बात नहीं है। देखिए मूल बात मैं रजनी जी आपके चैनल के माध्यम से उस प्रदेश की जनता को, सरकार को भी बताना चाहता हूं कि बेसिक विषय क्या है। बेसिक विषय यह है कि कानून व्यवस्था की देख रेख करने वाले कौन लोग हैं, कानून व्यवस्था कैसे चल रहा है। तो रजनी जी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां जो कानून व्यवस्था की देख रेख करने वाले लोग हैं, जो वरीय अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, वो सारे ऑक्शन पे हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, ऑक्शन और जब किसी चीज का ऑक्शन होता है तो उसकी रिकवरी के लिए बहुत सारे बलिदान दिए जाते हैं जो कि उस राज्य में चल रहा है। आप नित प्रतिदिन अखबार उठाइए, कोई ऐसा जिला नहीं, जिला में कोई ऐसा जिला नहीं जहां पे हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं नहीं घट रही है। और लगातार हमारी पार्टी के सांसद और हमारे पार्टी के नेता जिला से लेकर राज्य के रांची तक की स्थिति की लोगों को बता रहे हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से, लोकसभा में प्रश्न के माध्यम से भी सरकार का आंकड़ा, सरकार की आंकड़ों को और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहां पे कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है लगातार। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को और कई हिंदू संगठन, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता नेताओं की हत्या पिछले
कुछ दिनों में 12 ऐसी हत्याएं हुई है। ऐसा लगता है कि जैसा हमारे माननीय सांसद संजय सेठ जी ने कहा है कि झारखंड को केरल की राह पर और बंगाल की राह पर ले जाने का ये वर्तमान सरकार का प्रयास है, हमारी पार्टी बिल्कुल ऐसा होने नहीं देगी। हम सड़क सड़क पे, गांव गांव में, जिला जिला में, हर जगह जाकर हम इस सरकार के विषय में लोगों को बताने का काम करेंगे और लोगों को ये कहेंगे कि अपनी सुरक्षा खुद करने की जरूरत है। आज ये सरकार के ऊपर हमारा विश्वास उठ चुका है, यहाँ के पुलिस प्रशासन पे विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। वहाँ पे सरकार और प्रशासन मिलके बस एक ही काम कर रही है कि तस्करी किस तरीके से, पैसे की आमदनी कैसे हो, मुंडन कैसे हो। बिहार में कहा जाता है कहावत रजनी जी, मुंडन, तो ये प्रशासन जो है वहाँ की जनता के मुंडन करने की स्थिति में है। जवाब दे रहे हैं तरीके से भी, सुनिए जवाब, जवाब मिल रहा है आपको उनका, जयसवाल जी जवाब दे रहे हैं, ऐसा की इनकर्मी को। रजनी जी मैं एक चीज कहूँगी, वहाँ पे 24 जिले है, 24 जिले में पता नहीं हमारे संपर्क में रहे केवल याद करके आए हैं आप, तो लोग याद करके आए हैं, ये लोग से काम चलने वाला नहीं है। हम जो बोल रहे हैं इस बात को सुनिए, रजनी जी चुप कराइए, उनको चुप कराइए, उनका आपने सुन लिया, उनका अनंत अमित जी आपका टाइम खत्म हो गया, आप जवाब लीजिए, आप सुनिए, आप जरा थोड़ा सा सुनिए पहले, आप जवाब सुनिए। बिल्कुल मैं तैयार हूँ। देखिए ऐसा है अनंत अमित जी, गीता पिता रिकॉर्डिंग जो है, ये रिकॉर्डिंग हम नई जनता सुनेगी, इसे बंद कीजिए आप, सुनने में आता है, जब नहीं आता तो हिंदू मुस्लिम आप लोग बोलने लगते हैं। अब अमित जी बताइए हमको कि आपका गृह मंत्री, आपका प्रधानमंत्री और दिल्ली के 30,000 कोर्ट में खुलेआम बम विस्फोट हो गया, जज के चेम्बर तक अपराधी घुस गए, यूपी में आपका राम राज है और यूपी में राम राज में जज के चेम्बर में अपराधी घुस गए, गोली चल गई, अब उसका दिमाग कौन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अरे ठीक है सर, थोड़ा सा वक्त, चर्चा कहाँ ले जा रहे हैं आप, ओंकार जयसवाल जी आप कहाँ यूपी जा रहे हैं, आपको क्यों सौंपी है सरकार, क्यों बीजेपी को अलविदा कहा है, आप सोचिए ना, आप क्यों पुराने पन्ने क्यों उठाए। ठीक है एक मिनट रुक जाए, ओंकार जयसवाल जी सुन लीजिए, आप जरा आंकड़े देख लीजिए, सुनिए पहले, अरे ओंकार जयसवाल जी सुन लीजिए, 14 नवंबर पलामू में बीजेपी के जिला युवा मोर्चा की नेता की हत्या, 22 सितंबर रांची में भाजपा एसटी मोर्चा की हत्या, 19 अगस्त को झारखंड के धनबाद में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की हत्या, 22 जुलाई 2020 को जमशेदपुर में, ये क्या है आंकड़े हमारे पास है, कितनी गिरफ्तारी हुई अब आप बताइए। मुझे कहने दीजिए युवा नेता की हत्या हो गया, जांच रिपोर्ट किसका आया, कोई हत्या किया उसको, क्या हुआ? मेरा किसी पर आरोप लगा देना, बस सरकार है। नहीं नहीं आरोप लगा दीजिए ना, जयसवाल जी उस पर क्या आया रिपोर्ट पे, आप बताइए। अरमीत जी आपको तो पता नहीं है कुछ, अरे हम जानकारी रखी है, पता आपको कुछ किसे जानकारी रखी है, तो शांतो जी कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सुन लेते हैं, उनको भी सुन लेते हैं, ठीक है, जानकारी नहीं है। हाँ सर बोलिए। देखिए ऐसी बात है, अगर भाजपा कह रहे हैं कि झारखंड में 2 साल की सरकार में हत्याएं बढ़ गई है, बीजेपी नहीं आई है, बढ़ गई है, प्रशासन चला नहीं पा रहे, सरकार नहीं चला पा रही, ये बीजेपी कह रही है। हम सिर्फ कहना चाहते हैं कि एक मिनट बात करने, मुखर्जी साहब एनसीआर भी दीजिए, एक मिनट, थोड़ा सा आप बहुत बोले, आप सुनिए थोड़ा, रिपोर्ट आप बोलते रहते हैं खाली, अब हमें जब बारी आएगी तब थोड़ा सा अनुशासन रहेगा पार्टियों में, लेकिन बोलने ही नहीं दे रहे आप किसी को, अनुशासन नहीं है। जी आपको बता दें कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग बीजेपी काल में हुई है, और मॉब लिंचिंग होने के बाद जो जेल चले जाते हैं, बात सुन लीजिए, जेल चले जाने के बाद यहाँ के सांसद जो हमारे मोदी जी के सबसे करीबी है, वो माला पहना के उसे उत्साहित करते हैं, पापा जेल से निकलने के बाद उसे माला पहनाया जाता है। आप ये बताइए, किसी जाति विशेष की हत्याएं होती है, हत्या होने के बाद चुनाव से पहले उसे माला पहनाया जाता है, ये कौन सी सही है? और ये सरकार जांच कर रही है जिनकी हत्या हुई है, निश्चित
तौर पर उस सलाखों के पीछे होंगे और उसे होना चाहिए, लेकिन बीजेपी काल से जो हत्याएं हुई है, जो स्ट्राइकर की हत्याएं हुई है, अरे सुशांत जी सर सुनिए ना, ये बताइए बीजेपी के वक्त कानून व्यवस्था का क्या हाल था? आप लोगों ने सवाल उठाए ना, उसके बाद जनता ने सियासत से थोड़ा दूर कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए ऐसे सत्ता जो हमें सुरक्षा नहीं दे रहे, अब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जस सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, अब आप लोग को मौका दिया है ना, आप लोग को मौका दिया है ना, तो आप पीछे क्यों देखते हैं, आप आगे जवाब दीजिए ना, आप हमें बताइए कितने लोग की गिरफ्तारी किस मामले में हुई है? मुखर्जी साहब की बात सुन लीजिए, आ रही हूँ मैं, ओंकार जसवाल जी सुन लीजिए थोड़ा सा उनका, साथ साथ रहिए आप लोग। हाँ देखिए हम बता दें, आप बोल रहे पीछे क्यों जा रहे हैं, ये पीछे जाने की बात नहीं है, आप 70 साल पीछे जा सकते हैं और हम 6 महीना पीछे 2 साल पीछे नहीं जा सकते, तो उससे क्या होगा, अपराध घट जाएंगे सर, मुझे ये बताइए, अपराधी जेल पहुंच जाएंगे, कंपेयर करने से क्या होगा सर, मुझे ये समझाने की कोशिश करिए, आम जनता महफूज करेगी, अपने आप को महसूस समझेगी, खूब कंपेयर करिए, सरकार ने जो हत्याएं की थी, अरे जज नहीं है सुरक्षित सुबह सुबह, पत्रकार नहीं है सुरक्षित, हमारे दोस्त चले जाते हैं, अपराधी इस तरीके से उन पर हमला करते हैं, ठीक है, किसी को जरूरत नहीं है मुखर्जी साहब, मुखर्जी साहब अब जब ओंकार जी अभी इधर उधर मत जाइएगा, बताइए कितनी गिरफ्तारियां किस मामले में, पूरा रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया, सुनिए एनसीआर का रिपोर्ट पहले देखिए, एक रिपोर्ट देख लिए, दूसरा रिपोर्ट देखिए कि जितने भी वारदातें हुई उसमें पुलिस ने क्या किया बताइए ना, उसने पुलिस 8 दिन से 15 दिन के अंदर गिरफ्तार किया और जेल में सलाखों के कई मामले ट्रायल पर चल रहे हैं, बताइए कौन से मामले, कई मामले सुनिए, कई मामले बताइए कौन से मामले में हुई है, उसमें पर्सनल मामले में हत्या हुआ है, पलामू में एक युवा की हत्या हुआ, बीजेपी नेता की हत्या हुआ, पर्सनल हत्या हुआ उसका, अब उसको जोड़ दीजिएगा सरकार से लेना देना या विधि व्यवस्था से, तो ऐसा नहीं होता है, हत्या हुई तो विधि व्यवस्था नहीं है, सरकार आपकी है तो सवाल आपसे ना किया जाए, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, किसी दलित महिलाओं को आग नहीं लगा दी गई, उत्तर प्रदेश देगा और उसकी जांच ना हो, ऐसे ना हो, अमित जी दिखाने पड़ेंगे, सुरक्षित नहीं है पत्रकार, अब ठीक है एक सवाल सुनिए, पलामू में बीजेपी नेता की बेटी का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला हुआ है, रेप की भी आशंका है, अब ऐसे जो मामले हो रहे हैं, झारखंड के देवघर में ट्रिपल मर्डर हो जाता है, एक साथ 3 युवकों की गोली मारकर हत्या, आम लोगों का सवाल मैं उठा रही हूँ, आप लोग के सवाल के जवाब में दीजिए, ठीक है बताइए मुझे, रजनी जी रजनी जी आपके सवाल जायज है, क्योंकि सवाल आप सरकार से कर रही हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, अब स्टेट का देखिए तो क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश के पर मिलेगा, झारखंड की बात कर लीजिए ना, झारखंड में आ जाइए, कहाँ घूम रहे हैं, आपकी सरकार जहाँ सवाल वहाँ करेंगे ना, आप सुशासन की बात करते हैं, आपसे सवाल करेंगे हम क्यों झारखंड, अरे हम क्यों छत्तीसगढ़ की सरकार से सवाल करें, हम क्यों दिल्ली से सवाल करें, हम सवाल आपसे करेंगे क्योंकि पूछता है झारखंड, दो नुमाइंदे से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हाँ बोलिए सर, मुखर्जी साहब भी हैं, जसवाल साहब भी हैं जी, आप ये बता दीजिए कि विगत 2 वर्षों में कौन सा ऐसा समुदाय है, चाहे वो पत्रकार हो, वकील हो, डॉक्टर हो, जज हो, नेता हो, अभिनेता हो, कौन सा ऐसा समुदाय है, महिला हो, जिनकी हत्या या बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं हो रही है, बड़े बड़े लोग, आप एक दिन का ऐसा बता दीजिए पूरे प्रांत में जिस दिन हत्या या बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही है, अमित जी आप पढ़े लिखे आदमी है ना, पढ़े लिखे आप आदमी है ना, आपको समझ में आता है ना, नहीं नहीं आप हत्या हमको ऐसा लगता है, हम तो है ही, आपकी बात से मुझे आपके ऊपर संदेह है, मेरी बात सुनिए, हत्याएं 2 तरह से होती है, इरादतन और गैर इरादतन, देखिए जसवाल साहब आप एडवोकेट है, मुझे मालूम है आप उसका ज्ञान पसंद है, ठीक है, हत्या इरादतन हुई, गैर इरादतन हुई, हत्या हुई कि नहीं, जान तो गई ना किसी की, परिवार तो उजड़ा ना सर, ये क्या क्या कह रहे हैं सर, हत्या हुई ना, परिवार तो उजड़ा, किसी का भी उजड़ा हो, गैर इरादतन कैसे, ये क्या सवाल का जवाब दे रहे हैं, पर्सनल निजी उस राज्य में एक उद्योग कर रहा है, प्रशासन से लेना देना हुआ नहीं जाता है,
और बाकी सारे सब बंद होते हैं। निजी दुश्मनी में की गई वारदात अरे पुलिस का खौफ होना चाहिए ना, कानून का डर होना चाहिए, वो नहीं है झारखंड में क्या? अभी एक अखबार ने तमाम थाना में जाकर कोशिश किया, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि थाने में ताला लगा हुआ था और थाने के अंदर जब लोग गए तो कोई थाने के अंदर ही नहीं पाया गया, एक सिपाही था बेचारा सो रहा था वहाँ, तो थाने में लोग रह ही नहीं रहे हैं वहाँ, तो जनता इतनी भयभीत और त्राहिमाम है कि वहाँ जनता अपने आप को पूरी असुरक्षित महसूस कर रही है। अगर होती तो शाम के वक्त दुकान बंद करके जाते तो अपराधी पकड़े जाते, आप कह रहे हैं हमारी अच्छे से व्यवस्था है सब ठीक हो रहा है, पेट्रोलिंग नाम की कोई चीज नहीं है, क्यों नहीं पकड़े गए सर? कोई गोली मार के भाग जाता है, पकड़े नहीं जाते हैं, ये अलर्टनेस है आपकी, आपकी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। जिस तरीके से हिंदूवादी संगठनों के ऊपर ये सरकार ने जिस तरीके से दावा बोला है, तो हिंदूवादी नहीं, हमारी पार्टी इसका विरोध करती है और हम चाहते हैं कि हत्याएं का दौर समाप्त हो, अदरवाइज जनता जो है सरकार के लिए बड़ा मुश्किल खड़ी कर रही है। चलिए एक एक करके बोलिए फटाफट से, हम सबकी बात सुनना चाहेंगे, जनता भी। सबसे पहले सुशांतु जी आप बोलिए, क्या ये बदला नजर आ रहा है, साजिश है क्या इसके पीछे, केरल और पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं बीजेपी, ये कह रही है? हम तो स्वागत करते हैं अगर झारखंड केरल बन जाए, झारखंड बंगाल बन जाए, ये बनने नहीं दिया गया 17 साल से, एजुकेशन को डाउन कर दिया नीचे, हम 97% एजुकेट करना चाहते हैं, यहाँ की जनता को सरकारी व्यवस्था के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो केरल ने जोड़ा, जो बंगाल ने जोड़ा, अगर संसद महोदय उसका क्या सर, केरल पर जाके देखने की जरूरत है एजुकेशन, वहाँ पर जाके देखना चाहिए स्वास्थ्य, ठीक है सर? ओंकार जायसवाल जी सरकार की तरफ से अपना पक्ष आखिरी वक्त में रखिए क्योंकि हम खत्म करने वाले हैं डिबेट को। ओंकार जायसवाल जी जल्दी से फटाफट से, ये सरकार कानून व्यवस्था पर चुस्त दुरुस्त है, इन लोग मुद्दा विहीन लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन लोग मुद्दा विहीन है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे और अपराध इस तरीके से बढ़ेगा नहीं। बहरहाल अब क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, शुक्रिया ओंकार जी आपने चर्चा में भाग लिया, तमाम मेहमानों का आनंद जी आपका भी शुक्रिया और मुखर्जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस चर्चा को करते हैं खत्म और तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।